नॉर्मली कोई भी स्टूडेंट हमारे यहाँ पे एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए हमारा फोटोन टेस्ट होता है, जिसमें नॉर्मली अगर कोई स्टूडेंट हमारे यहाँ पे 10th के लिए आता है, 9th क्लास से 10th क्लास में वो मूव कर रहा है और 10th क्लास के लिए एडमिशन लेना चाहता है, क्योंकि कल्प वृक्ष में 10th क्लास से ही बैचेस स्टार्ट होती हैं, तो उसमें हम बच्चों से 8th क्लास और 9th क्लास जो उसकी प्रीवियस क्लास है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव रहता है, 2 आवर्स का टेस्ट होता है। इसकी जो मार्किंग रहती है +4 -0 रहती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती, जिसके कारण स्टूडेंट सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है नेगेटिव मार्किंग ना होने के कारण। इसमें बच्चों को 100 मार्क्स लाना कंपलसरी रहता है अगर वो हमारे यहाँ पे एडमिशन लेना चाहता है। अगर कोई स्टूडेंट हमारे यहाँ पे 11th या 12th के लिए आता है तो उसके लिए यही टेस्ट हमारा जो रहता है, इसमें हम 9th और 10th के ऊपर बेस्ड एक पेपर लेते हैं, जिसपे मैथ्स के 25 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के 35 क्वेश्चन आते हैं और मेंटल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन आते हैं। ये टोटल 70 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है जो कि 2 आवर्स का रहता है। इसकी मार्किंग होती है +4 -0, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, जिसके कारण स्टूडेंट सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। अटेम्प्ट में से अगर स्टूडेंट ने मिनिमम 25 क्वेश्चन राइट किए हैं तो वो हमारे फुल डे वाली बैच के लिए एलिजिबल हो जाता है। अगर स्टूडेंट हमारी इवनिंग बैच में जाना चाहता है तो उसके लिए सेम टेस्ट बच्चों को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है, जो कि हमारी टोटल फीस में से जो भी स्टूडेंट की स्कॉलरशिप आती है उतने % फीस हम माइनस कर देते हैं। तो ये हमारा फोटोन टेस्ट की इन्फॉर्मेशन है।